और भी बहुत सारे एक्टर्स को आपने डिजाइन किया, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा था, अगर थोड़ा सा बताया मुझे। एक्चुअली हर बार लाइक रिसेंटली अभी मैंने मीरा चोपड़ा के साथ हमारा एक, उन्होंने मेरे गाउन में शूट किया
एंड मुझे उनके भी लुक्स के लिए इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले. ऐसा सबने बोला इट्स लाइक कि वो अभी जैसे कैंस में वो जाके आई कैन फॉर फेस्टिवल में. सो वहाँ के हिसाब से द वन शी वॉज वेयरिंग देयर उसकी जगह लिटरली आई गॉट मैसेजेस ऑन माई पर्सनल DMs फ्रॉम ऑल द सेलिब्रिटीज एंड एवरी वन हू सर्व आई फॉरवर्डेड ऑल द स्टाइलिस्ट एंड सेलिब्रिटीज. सो दे लिटरली टोल्ड दैट दिस वॉज समथिंग शी शुड हैव वोन देयर बिकॉज दैट गेव दैट काइंड ऑफ वाइब. प्लस आई लव टू प्ले विद द फैब्रिक. मेरा एक वो ट्रेंड है, मैं एम्ब्रॉयडरी से ज़्यादा सर्फेस ऑर्नामेंटेशन से ज़्यादा मैं कपड़े से खेलना पसंद करती हूँ. सो मेरे जितने भी आपको गारमेंट्स दिखेंगे उसमें मैंने कुछ अलग कट दिया होगा, कुछ अलग ड्रेप दिया होगा, उसको मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कपड़े से प्ले करके ताकि वो एक अलग लुक आए, वो लगे कि कुछ आर्टिस्टिक है, कुछ डिज़ाइनर हमने पहना है. एंड प्लस वो वेटलेस भी हो जाता है. सो जब मैंने मीरा के साथ शूट किया वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था. शी लव लाइक हमने तीन लुक किए डिफरेंट लुक. वन वाज ब्लेजर लुक जिसमें वो एकदम बोल्ड एंड क्लासी लुक हमने किया. एक हमने पूरा प्रिंसेस डायरीज को ध्यान में रख के प्रिंसेस ही लुक किया था. सो अलग 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 इट्स लाइक एवरी टाइम मेरा हर डिज़ाइन ऐसा होता है कि आप मेरे हर डिज़ाइन में एक अलग लुक देख सकते हो, एक अलग पैटर्न देख सकते हो. कभी भी मेरा कोई भी डिज़ाइन रिपीटेटिव नहीं होता है, आपको एक भी सिमिलर नहीं मिलेगा. बिकॉज मुझे चाहिए कि मैं जितने नए क्रिएटिव आइडियाज़ निकाल सकूँ और जितने नए डिज़ाइंस बना सकूँ और जितने नया मेरा काम मेरे आइडियाज़ लोगों तक पहुँचा सकूँ. मैं चाहती हूँ हर जो भी मेरे पास आ रहा है ना, मेरा हर डिज़ाइन एक डिज़ाइन का आउटफिट उसके पास ही, दे शुड फील स्पेशल कि नहीं ये ड्रेस मेरे पास है. सो दैट्स व्हाट आई वांट टू डू फॉर पीपल. मैम पर्सनली आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री में ऐसा कौन सी एक्ट्रेस है जो मतलब कि बहुत अच्छे फैशन सेंस करती हैं या बहुत अच्छे फैशन? वेल आई गेस इंडस्ट्री में जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, हम सब जितने भी हैं, इन पर्सनल लाइफ वी ट्राई कि हम जितना कंफर्टेबल और ऑन स्क्रीन हम कंफर्टेबल रह सकें वो कपड़े चूज करते हैं. बट व्हेन वी कम ऑन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म वी ऑलवेज स्टाइल. यू नो वी ऑल हैव वन डिज़ाइनर विद अस एंड आई हैव जील विद मी जो मुझे स्टाइल करती है. ऐसी हर सेलिब्रिटी का कोई ना कोई एक डिज़ाइनर रहता है जो उसके लिए कपड़े चूज करके लाता है. एंड यू नो समटाइम इट हैपन्स कि एक पर्सनल एक इंडिविजुअल पर्सन की जो स्टाइल स्टेटमेंट होती है वो शायद उतनी अच्छी या उतनी बुरी ना हो. बट जब एक डिज़ाइनर लेबल या एक डिज़ाइनर का दिमाग उसके साथ जुड़ जाता है, जब वो आपको रिप्रेजेंट करता है अपने डिज़ाइंस के साथ, तो वो कुछ अलग ही यू नो मैजिक क्रिएट होता है. एंड आई गेस मलाइका का डिज़ाइनर बहुत अच्छा है इंडस्ट्री में. एंड देयर आर मेनी अदर सेलिब्रिटीज़ ऑल्सो, कियारा का बहुत अच्छा है. सो येस इट्स ऑल हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ द डिज़ाइनर. जैसे मेरा डिज़ाइनर यहाँ खड़ा है मेरे साथ, इसका भी क्रिएटिव माइंड कुछ अलग सोचता है. एंड समटाइम्स यू नो वी ऑलवेज जब भी हम इसके डिज़ाइन देखते हैं तो हमारे साथ ना कई बार ऐसा होता है कि मैं ऐसे बोल रही थी कि हमने ये डिज़ाइन इसने ऑलरेडी वो बना लिया होता है, वो डिज़ाइन ऑलरेडी इसने बनाए हुए होते हैं, वो कॉस्ट्यूम्स हम देख चुके होते हैं, बट वो ऑफकोर्स वो अभी तक किसी ने भी पहने नहीं है, वो मार्केट में नहीं आए हैं. बट वैसा सेम डिज़ाइन हम किसी और को पहना देख लेते हैं बाद में. एंड इज लाइक जी तूने ये पहले ही सोच लिया था, ये पहले ही इसने बना के रखा हुआ था. यू नो ये हर चीज़ में इंस्पिरेशन ढूंढने की कोशिश करेगी. शायद अभी हम जैसे अब बात कर रहे हैं, आपके कैमरा में से भी कुछ कलर दिखा के उसके लिए भी डिज़ाइन बना सकती है, ये वैसी है. सो शी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द इंस्पिरेशन फ्रॉम यू नो अराउंड द थिंग्स. सो ये चीज़ बहुत अच्छी है. सब सेलिब्रिटीज़ का एक डिज़ाइनर होता है जो उन्हें डिज़ाइन करके देता है चीज़ें, उनकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करके देता है. Thank you. Thank you.